आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सपा कार्यकर्ता किस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं? हमारे साथ आज सपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मतलब हर वर्ग का कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे ही जानेंगे कि अखिलेश जी को चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है और क्या लग रहा है। अखिलेश जी अगर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से तो कितनी बड़ी जीत होगी, और अगर उनको ये कहीं से भी महसूस हो रहा है अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसमें भी क्या बातें हैं, तो सब कुछ आज इन्हीं लोग से ही जानने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या लगता है अखिलेश जी का चुनाव यहाँ से लड़ना कितनी बड़ी सौगात होगी? वैसे आज विषय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पत्रकार साथी हैं, प्रश्न किया है तो लगभग तय है। माननीय अखिलेश जी का चुनाव लड़ना कन्नौज में लगभग तय है, और सफलता विशाल रूप से मिलेगी। जिस तरह से 5 साल में जनता ने दूसरे सांसद को देखा है, उन्होंने कुछ किया नहीं, किसी तरह का कोई कार्य नहीं है। 5 साल से कन्नौज जनपद, कन्नौज लोकसभा की जनता पूर्ण रूप से उपेक्षित रही है, और जब माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने आएंगे तो कन्नौज में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, कन्नौज की जनता का जो दिल जीता है उसके अनुरूप परिणाम आएगा। अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी आए थे, कार्यक्रम में शामिल हुए, कुछ उन्होंने इशारा दिया, इनपुट दिया कि वो लड़ सकते हैं। 2 दिन पहले शिवपाल जी भी आए थे, उन्होंने कहा था हाँ मैं चाहता हूँ अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़े और मैं उनका प्रचार करूँगा। तो ऐसे में क्या जोश भरने की तैयारी हो रही है, या फिर मतलब क्या है कि तितर बितर हो गया था कुछ, उसको डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी है? देखिए, कन्नौज की जनता बहुत लंबे समय से समाजवादियों के साथ जुड़ी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी तक समाजवादियों का साथ दिया है कन्नौज की जनता ने, और कन्नौज की रज रज में समाजवाद है। आपने देखा होगा कन्नौज के युवाओं को, कन्नौज के बुजुर्गों को, कभी कभी चूक होती है, जनता जनार्दन से भी होती है, नेताओं से भी होती है, लेकिन उस चूक को सुधारा जाएगा और लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ना यहाँ से तय है। एक और कार्यकर्ता, हम उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब बताएं कि अखिलेश जी का दौरा लग रहा है तो किस तरह की आप लोगों में ऊर्जा है, लगता है अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे और कितनी बड़ी जीत करा के देंगे? निश्चित तौर से पार्टी ने लगभग तय कर लिया है, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। वो 3 बार यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, और अखिलेश जी जब चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं बहुत जोश और उत्साह रहता है। जैसा अभी आप कह रहे थे कि डैमेज कंट्रोल, समाजवादी पार्टी में डैमेज कंट्रोल वाली कोई चीज़ नहीं है, जो अलग थी वो सब लोग साथ आ गए। सारे पूरी बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स आज हमारे साथ हैं, हर वर्ग का वोट हमारे साथ है, तो कोई जीत में कोई संदेह नहीं है। पिछले बार 2019 के चुनाव हम लोग इसलिए हार गए, एक बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, हम लोगों ने आंकड़ा लगा लिया कि 3 लाख 2 लाख 5 लाख चुनाव जीतेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग चुनाव हार गए। इस बार ऐसी कुछ नहीं होगी, और कार्यकर्ता बहुत जोश और उत्साह है। एक बात मैं और बता दूँ आपको कि हमारा नेता मेरे ख्याल से कम कन्नौज लोकसभा के 20 से 25 हज़ार लोगों को तो बुझमाई जानते हैं, बाई नेम बाई फेस। ये कुछ छोटी बात नहीं, एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो इस बार हम लोग वो दिक्कतें हो गई, इस बार भी तो कांग्रेस से गठबंधन बनने के समीकरण बनना है, तो क्या लग रहा है? पिछले बार गठबंधन मैंने नाम नहीं लिया, BSP से हुआ था हमारा, तो एक बड़ा वोट बैंक जो रहता था हम लोग उससे जोड़ लिए थे, बड़ा बैंक से इतना वोट बसपा पाई थी, इतना वोट सपा पाई थी, कांग्रेस गठबंधन हुआ था, कांग्रेस से गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस का बहुत धरातल वोट कन्नौज में नहीं है, तो इसलिए हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गए, चलो जीत रहे हैं, इतने वोट जीत जाएंगे, उसमें हम भी शामिल हैं उसी, उसमें ऐसा नहीं है। तो अब की बार हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम बड़ी जीत बदलाएंगे हम। चाचा क्या लगता है अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? दादा आप बताइए, आप नई उम्र के लग रहे हैं, क्या लगता है अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? ऐतिहासिक जीत होगी। क्या ऐतिहासिक होगा, कैसा काम का अखिलेश? बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा पहले समय में, और जो भी उन कन्नौज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप लोग हम सब लोग देख चुके हैं दूसरे सांसद को कैसे क्या हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, बुजुर्ग वर्ग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा अखिलेश जी कुछ बोलेंगे, अखिलेश जी चुनाव लड़ने का यहाँ से बन रहा है तो कितना आप लोग को क्या लग रहा है? अखिलेश जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से या संजय कुछ दूसरा विरोधी है ही नहीं, विरोधी नहीं है, जनता अगवाई दी वोट डर है। बहुत बड़ी जीत हुई, बहुत बड़ी जीत। क्या 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 समस्या आप लोग के लिए निकल के आई है? समस्याएं तो जो मौजूदा सांसद है, एक ब्लॉक प्रमुख से लेके VDC से लेके सब तो उनके है, लेकिन काम तो कुछ ही नहीं रहो, ये आदमी ले कागज ले घूम रहो, लाइन लेकर घूम रहो। अच्छा क्या लगता है आपको अखिलेश जी का चुनाव लड़ना कैसे क्या होगा, बताइए क्या लग रहा है? अच्छा लगे,
हमारी पकड़ से जीतेंगे। जब पिछली बार चुनाव लड़ते तो उससे ज्यादा आपकी वोटर जीतेंगे। डिंपल जी क्यों हार गए? डिंपल जी हार गए, डिंपल जी अपनी कमी से हार गए थे, थोड़े अपने लोगों ने कमियां रही। तब अब वो कमियां पूरी कैसे गए? सब दूर हो गए, सब सुधर गए। आप मानते हैं अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, और कितनी जीत कराएंगे? अच्छे वोटों में जीतेंगे अखिलेश जी, अगर लड़ेंगे बढ़िया जीतेंगे। अखिलेश जी अगर आएंगे यहाँ तो बढ़िया जीतेंगे। अगर कोई और लड़ता है तो फिर कंफर्म नहीं कर सकते। तो फिर नहीं, वो भी जीतेगा भैया? नहीं, अगर अखिलेश जी आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छी जीत होगी। ज्यादा अच्छी जीत होगी, मतलब जीत होगी, जीत होगी, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। सपा के एक और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर ले रहे हैं। क्या लगता है अखिलेश जी का चुनाव लड़ना किस तरह का राजनीतिक समीकरण बैठेगा? अखिलेश जी का जब से नाम आया है तब से विरोधी जो भाजपा का सांसद है वो दूसरी जगह सीट ढूंढने लगे। उन्हें मालूम है आप पूरे कन्नौज जनपद में ही नहीं पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा उनसे ब्राह्मण नाराज है, क्योंकि मुर्रा गांव पड़ता है आपके सौरी के पास। मुर्रा गांव में 27 लोग कोरोना काल में खत्म हुए। एक पाणे जी ने फोन करके कहा कि 27 लोग मर गए हैं ब्राह्मण समाज। बोले मैं ब्राह्मण समाज की राजनीति अकेले नहीं करता हूं। आप बताइए जिस गांव में एक तरफा आपको वोट मिल रहा हो 27 ब्राह्मण खत्म हो जाएं और सांसद जी को इतना टाइम नहीं था उनके दरवाजे चले जाएं, वो लोग और उनके आसपास के एरिया के लोग ब्राह्मण लोगों में उत्साह इतनी तेज से अखिलेश जी आए एक एक वोट अखिलेश जी को डालने का काम करेंगे। आप देख लेना ऐतिहासिक जीत होगी अखिलेश जी की। और